अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शाइस्ता और आप देख रहे हो इनायस किचन। आज मैं बनाने जा रही हूं बचे हुए स्टफिंग के कीमा आलू कबाब, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था कीमा सैंडविच, उसकी स्टफिंग बच गई हुई थी। इसके लिए मैं सोची लाओ आपको एक और रेसिपी बना के बता देती हूँ। जो स्टफिंग बची हुई थी उसका मैंने ऐसे कबाब तैयार करके लिया हुआ है, और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया हुआ था ब्रेड का किनारा बच गया था, उसका मैंने ब्रेड क्रम्स तैयार करके लिया है, और उसी में मैं ये एक अंडा लिया हुआ है उसी में मैं ये डिप करूंगी और इसे ब्रेड क्रम्स में लगा के लूंगी। तो इस तरीके से हमारे कीमा आलू का कबाब तैयार हो जाएगा। इस तरीके से हमें सारे तैयार करके लेना है। ये सभी कबाब मैंने तैयार करके लिया है, अब मैं इसे फ्राई करूंगी। फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने एक टेबलस्पून के करीब ऑयल लिया है, हमें इसे शेलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है, और इसे मैं मीडियम फ्लेम पे ही बनाऊंगी। मैंने कबाब को पलट दिया हुआ है, अब 2 से 3 मिनट मैं पलट के इसे बनाऊंगी, उसके बाद मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। हमारे कबाब दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। तो तैयार है हमारे बहुत ही मजे के, बहुत ही टेस्टी कीमा आलू कबाब, जो बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करिए, ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। अल्लाह हाफिज़।